आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की चित्रकला के महत्वपूर्ण वायरल प्रश्नों को फ्रेंड्स देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को जितने भी प्रश्न करा रहे हैं वो 2024 के बोर्ड के एग्जाम में 101% फ्रेंड्स आने वाले सभी प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, ये चित्रकला का पार्ट 1 है जहाँ पे आज आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये पहला सवाल आपका है और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। फ्रेंड्स, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। पहला नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स कि गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो गुलाबी रंग होता है फ्रेंड्स, किन दो रंगों का आपस में मिलाएंगे तो गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप, जो गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लाल रंग लेना पड़ेगा और लाल रंग में यदि आप सफ़ेद रंग मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि लाल रंग में यदि आप सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो आपको गुलाबी रंग मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर का देखिए कि बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो बैंगनी रंग होता है किस रंग के मिश्रण से बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका ऑप्शन है लाल प्लस नीला, पीला प्लस हरा, काला प्लस लाल या लाल प्लस हरा। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा जो बैंगनी रंग होता है, यदि आपको बैंगनी रंग प्राप्त करना है तो आपको लाल रंग लेना पड़ेगा और लाल रंग में फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, नीला रंग यदि मिला देते हैं आप तो आपको कौन सा रंग मिलता है, बैंगनी रंग। इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि बैंगनी रंग यदि आपको प्राप्त करना है तो लाल प्लस नीला रंग आपस में मिलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, विरोधी रंग वाला ये बोर्ड के एग्जाम है 2023 के पेपर में फ्रेंड्स देख लीजिएगा, ये प्रश्न आ चुका है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि लाल रंग का जो विरोधी रंग होता है हरा होता है। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि काला रंग का विरोधी रंग क्या होता है, तो सफ़ेद होता है। काला रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो सफ़ेद होगा, या सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। ये भी साथ में क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। तो तीसरा नंबर का सही जवाब आपका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने चौथा नंबर का सवाल है कि किस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रहेगा किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है। आपका ऑप्शन है एच से, टू एच से, एच बी से या बी से। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। देखिए, आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि आप जिससे आप इस प्रश्न को यहीं पे आप याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हल्का रंग याद रखना है ना, तो देखिए हल्का से एच से क्या होगा, ह बनता हो ना, एच से ह बनता है। इसी तरह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आपका जब हल्का रंग कहेगा कि एच से स्टार्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपकी जो संख्या सबसे अधिक होगी, जैसे इसके बगल में एच के बगल में संख्या यदि 3 आ जाता है, एच के बगल में यदि 2 आता है, तो यदि ये 2, 3, 4 जितनी अधिक संख्या होगी उससे आपकी जो रेखाएं होती उतनी हल्की खींची जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका एच, टू एच, आपका ये तो कन्फर्म हो गया कि हल्की रंग है, तो एच से जब रेखाएँ खींची जाती है तो हल्की खींची जाती है पेंसिल से। अब यहाँ पे एच और टू एच है, इसमें देखिए टू एच में क्या है, संख्या 2 अधिक है ना इसकी तुलना में, 2 अधिक होने के कारण इसमें क्या होगा कि इसका टू एच के द्वारा आपकी रेखाएं क्या होगी, एकदम हल्की खींची जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ में आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन अब पूछता है कि किस नंबर की पेंसिल से क्या नाम है कि एकदम गहरा रेखा खींचा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप बी मतलब ब्लैक होता है, ब्लैक मतलब क्या होता है, काला ना, तो जो काला होता है वो गहरा होता रंग होता है। तो इस प्रकार यदि गहरा रंग पूछेगा तो बी से खींचा जाता है। दोनों प्रश्न को साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन है ज्यामिति तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से या आयत से। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप, जो ज्यामिति आलेखन है, आलेखन का निर्माण जो होता है, आप याद रखिएगा कि ज्यामिति तत्वों के द्वारा आपका क्या होता है, ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, प्रश्न को याद रख सकते हैं कि ज्यामिति आपको बनाना है तो ज्यामिति तत्वों की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए ज्यामिति तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका है छठवां नंबर का,
देखिए आलेखन का गुण होता है, आपका आलेखन का क्या गुण होता है? ऑप्शन दिए अलंकारित, लयात्मक होना चाहिए, सौंदर्य या प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो फ्रेंड देखिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा कि आलेखन का मतलब होता है कि गुण होना चाहिए कि वो सौंदर्य देखे यानी सुंदर देखे। सौंदर्य का मतलब क्या होता है? सौंदर्य का मतलब होता है सुंदर देखे ना। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, आप अगला नंबर 7वां नंबर का सवाल को ध्यान से देखिए। सूचना का आलेखन कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामिति आलेखन, ये तीनों होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे याद रखिएगा जो सूचना का आलेखन होता है फ्रेंड्स, आप अलंकारिक आलेखन भी होता है, प्राकृतिक आलेखन भी होता है, ज्यामिति आलेखन होता है, और तीनों यानी कि इसमें सही जो आप डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने 8वां नंबर का सवाल है। देखिए क्या है 8वां नंबर का? आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, कागज द्वारा, हाथ द्वारा, प्रेसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो आलेखन होता है उसमें पुनरावृत्ति आपको यदि करना है तो आपको ट्रेसिंग पेपर का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को आप नोटबुक पे जरूर फ्रेंड्स लिखिए। ठीक है, आपके सामने अगला नंबर 9वां नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स? आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? आपको बताना है जो आलेखन है फ्रेंड्स उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त करेंगे? पारदर्शी रंग करेंगे या पारदर्शी ए और बी दोनों करेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड देखिए आपको जब आलेखन बनाया जाता है ना तो आलेखन में सबसे अधिक जो रंग प्रयोग करते हैं वो अपारदर्शी, कौन सा रंग? अपारदर्शी, जो अपारदर्शी वाला रंग होता है फ्रेंड सबसे अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त सब होता है फ्रेंड्स? अपारदर्शी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है 10वां नंबर का कि ज्यामिति आलेखन में प्रयोग होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक रंग, द्वितीय रंग या श्वेत श्याम रंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो ज्यामिति आलेखन होता है तो इसमें याद रखिएगा कि जो ज्यामिति आलेखन है उसमें आपको सबसे रंग कौन सा प्रयोग करेंगे, आलेखन कौन सा प्रयोग करेंगे? तो श्वेत श्याम रंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का फ्रेंड देखिए आपका सवाल है, ये भी 2023 के पेपर में फ्रेंड्स प्रश्न आ चुका है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है कि ठंडा रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है पीला, लाल, काला या नीला। तो फ्रेंड देखिए ठंडा रंग, एक जो गर्म रंग आपसे प्रश्न पूछता है तो गर्म में तो पता है कौन सा रंग होता है फ्रेंड्स? हरा। गर्म में कौन सा रंग आता है आपका? हरा। जबकि ठंडा रंग फ्रेंड्स आपको पता होता है कि ठंडा रंग जो होता है आपको कौन सा रंग होता है? इसमें आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका जो नीला रंग होता है, जो आसमानी कलर का रंग होता है, वो क्या होता है? ठंडा रंग के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका अगला नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है आपका कि जल रंग होता है। ठीक है, तो जल रंग कैसा है? पारदर्शी है, अपारदर्शी है, आभासी है या पारभासी है? तो फ्रेंड देखिए जल रंग जो होता है आपका किसके अंतर्गत आता है? पारदर्शी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत फ्रेंड्स आएगा? पारदर्शी रंग के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल है, देखिए फ्रेंड जितने भी आपके प्रश्न करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि पोस्टर कलर होता है, यानी पोस्टर का कलर जो होता है कैसा होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या पारभासी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अपारदर्शी। पोस्टर का कलर कैसा होता है? अपारदर्शी। फ्रेंड्स अभी आपको बताएगा जल का कलर कैसा होता है, तो आप रखिएगा यार पारदर्शी होता है। कैसे जल का होता है? पारदर्शी। जबकि यहाँ पोस्टर कलर पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा? अपारदर्शी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका 14 नंबर का सवाल क्या है। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, कैसा रहता है? गहरा नीला रहेगा, हल्का नीला, सफेद या बैगनी? तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, सामान्य स्थिति में यदि आप आकाश का रंग देखते हैं तो ऊपर की ओर जो रहता है क्या रहता है? गहरा नीला रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स 15 नंबर का कि प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? ऑप्शन है सफेद, नीला, लाल या पीला। देखिए फ्रेंड्स सुबह सुप्रातः काल मतलब क्या होता है? सुबह सुबह के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? फ्रेंड्स आप सुबह सुबह उठ के 7 बजे करीब या 6 बजे सूर्य निकलता है उस समय देखिएगा
उस समय जो वातावरण में जो आपको रंग दिखाई देगा तो कैसा रंग दिखाई देता है? पीला कलर सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अगले नंबर का सवाल आपका क्या है, 16वां नंबर का, कि सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ सायंकाल का मतलब होता है शाम के समय, यानी जब सूर्य डूबता है। फ्रेंड्स जब सूर्य डूबता है तो उस समय जो आपका रंग, कौन सा रंग सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है आप शाम के समय देखिएगा, तो कौन सा रंग दिखाई देगा फ्रेंड्स? तो लाल रंग। कौन सा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आप क्लियर कर लीजिएगा कि सुबह के समय में आपको पीला रंग सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है और शाम के समय में आपको लाल रंग सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, आपको 17 नंबर का सवाल क्या है कि चार कोल है। तो फ्रेंड्स आपको बताना कि जो चार कोल है क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड देखिए आप याद रखिएगा, जो ग्रेफाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं? चार कोल के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ चार कोल क्या है? आपका एक ग्रेफाइट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने 18 नंबर का सवाल है। देखिए कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधे सीधे याद रखिएगा, जो प्राथमिक रंग होता है क्या होता है फ्रेंड्स? प्राथमिक रंग। यहाँ पे क्या होता है? प्राथमिक रंग। तो आपको फ्रेंड्स बता चुके हैं, पार्ट वन में ही बता चुके हैं कि प्राथमिक रंगों की संख्या, जिसे हम मुख्य रंग या प्रारंभिक रंग के नाम से भी जानते हैं, तो प्राथमिक रंगों की संख्या कितना टोटल है? 3 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2023 के पेपर में आ चुका है कि ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सीधे सीधे याद रखिएगा, जो ओस्टवाल्ड होता है उसमें कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 7 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 8 होगा। तो फ्रेंड्स आप सीधे सीधे प्रश्न को याद रखिएगा कि जो ओस्टवाल्ड होता है उसमें टोटल आपके कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसे याद भी रखिएगा फ्रेंड्स कि ये 2023 में आ चुका है प्रश्न, ठीक है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो टोटल 8 रंग होते हैं। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका 20वां नंबर का है कि निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स आप साथ में याद रखिएगा, द्वितीय रंगों की संख्या टोटल कितनी है? 3। जैसे प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है, उसी तरह द्वितीय रंगों की संख्या कितना है? 3 है। इसमें द्वितीय रंग बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए आप याद रखिएगा कि जो लाल होता है और नीला होता है और पीला होता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि लाल रंग, नीला रंग और पीला रंग, इसको हम प्राथमिक रंग के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? टोटल 3। यहाँ पूछा द्वितीय रंग, तो द्वितीय रंग के अंतर्गत कौन सा आएगा रंग? तो सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न चित्रकला के कराए हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको कम से कम चित्रकला के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 था, कुछ समय के बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें आपको चित्रकला के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास फ्रेंड्स अधिक से अधिक